हेलो गाइज, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माय ट्रांसप्लांट। काफ़ी समय से मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स में भी देख रहा हूँ कि कोविड के सेकेंड वेव के बाद बहुत ज़्यादा जो है हेयर फॉल की शिकायत आ रही है, चाहे उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हो या फिर ना करवाया हो। बहुत सारे लोग डॉक्टर से भी एंड मुझसे भी यही पूछ रहे हैं कि भाई ये हेयर फॉल का क्या प्रॉब्लम हो रहा है एंड कैसे इसको रोके। तो आज मैं हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो के गुड़गांव ब्रांच में आया था। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट आने के कारण तीनों डॉक्टर जो तीन डॉक्टर यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, तीनों ही मुझे मिल चुके हैं एंड तीनों से मैं आज कंसल्ट लूँगा एंड प्लस आप लोगों को भी यही समझाऊंगा डॉक्टर्स के थ्रू कि कैसे इस हेयर फॉल को रोक सकते हैं एंड क्यों ये एक्चुअल में हो रहा है सबको। बाकी आप लोग डॉक्टर संतपाल सांगवान को तो जानते होंगे, मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में डॉक्टर संतपाल सांगवान आपको दिख चुके होंगे, लेकिन आज दो डॉक्टर और हैं मेरे साथ एंड दोनों डॉक्टर का मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, डॉक्टर आशीष एंड डॉक्टर अनुभव सांगवान। और ये दोनों डॉक्टर भी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है एंड आज जो है तीनों ही फ्री हो चुके हैं एंड आज एक क्वेश्चन का जवाब इन तीनों से मैं लेना चाहूँगा कि सर जो ये सेकेंड वेव आया है कोरोना का, उसके बाद इतने सारा जो है पेशेंट्स आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि ये हेयर फॉल को कैसे रोके एंड ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है, तो इसका जवाब आप तीनों से मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे व्यूअर्स को दे सको। बिल्कुल सौरव, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आफ्टर सेकेंड वेव। इवन हमारे पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट वाले या जो पहले PRP पे थे या जिनको हेयर लॉस नहीं भी था उनको भी एकदम से होने लगा। इसके अलावा हमारे आसपास में घर में भी हम देख रहे हैं, ये बड़ा कॉमन है। ये इसको हम टेलोजन एफ्लुएम बोलते हैं। किसी भी क्रोनिक डिजीज़ या वायरल डिजीज़ या इवन प्रेगनेंसी के बाद एक टाइम के बाद हेयर लॉस हो जाता है। ऑल्दो इसकी एक अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादातर बाल हमारे वापस आ जाते हैं, लेकिन कई बार उसको टाइम लगता है। हेयर लॉस 2 या 3 महीने तक कंटिन्यूस काफ़ी ज़्यादा होता है जो इवन, लेकिन इसमें कई बार ऐसा होता है कि इवन हमारी बेस्ट चीज़ें जैसे कि मिनोक्सिडिल या फिनास्टराइड को, कि इसमें DST का रोल नहीं होता है, ये होना ही है, एक बार होता है और 2-3 महीनों में कंट्रोल हो जाता है। तो इसके लिए बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और मेडिकेशंस हमारी बंद नहीं करनी चाहिए जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी चीज़ें आपको डॉक्टर अनुभव इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको डॉक्टर सांगवान सर से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया हो और जैसे कि डॉक्टर सांगवान ने बोला कि अनुभव सर भी थोड़ा बहुत बताएंगे, तो अनुभव सर से पूछते हैं कि सर इसका आप क्या जवाब देना चाहोगे कि कैसे जो है इस चीज़ को रोक सकते हैं। देखिए डॉक्टर संतपाल ने आपको बताया, ये काफ़ी अच्छे से बता ही दिया है, ये टीलोजन एफ्लुएम करके इसको मेडिकल टर्म में हम बोलते हैं। कोई भी वायरल डिजीज़ होती है, क्रॉनिक डिजीज़ होती है, तो हेयर फॉल नेचुरली होता ही है किसी भी पेशेंट में, और पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट आप मेडिसिन पे होता है तो भी होता है। तो इसमें ना कोई मेडिसिन में आपको ज़्यादा चेंज करना है, ना किसी मेडिसिन को स्टॉप करना है। हाँ, इसमें इतना है कि हम PRP सेशन ले सकते हैं, उनसे थोड़ी हेल्प मिलेगी, बट इसमें बाकी DHT, फिनास्टेराइड और मिनोक्सिडिल को ऐसे ज़्यादा लेके एक्स्ट्रा लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ये हेयर्स इवेंचुअली 2-3 महीने में जो भी वायरल डिजीज़ के कारण, कोविड के बाद मेरे भी काफ़ी पेशेंट्स को ये कंप्लेन आई है, तो वो 2-3 महीने में रिकवर हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेनी है, आराम से पूरी अपना स्लीप साइकिल बिल्कुल चेंज नहीं करनी है, खूब सोएं और अच्छी डाइट लें, प्रोटीनिशियस डाइट, मल्टीविटामिन्स, बायोटिन जो ले रहे हैं कंटिन्यू रखें, ठीक है। बाकी थोड़ा डॉक्टर आशीष भी आपको बताते हैं इसमें आगे के लिए और क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए। तो आई होप कि डॉक्टर अनुभव सर से भी आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया हो। आप जो है इसके क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जो है डॉक्टर आशीष सर बताएंगे हमको, एंड डॉक्टर आशीष सर क्या बताते हैं वो भी एक बार आप सुन लो। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सौरभ ने बताया कि ये प्रॉब्लम उनके साथ आ रहा है, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, ये काफ़ी कॉमन है कोविड के बाद। जैसा हम देख पा रहे हैं कि पेशेंट्स हमारे पास क्वेरी डाल रहे हैं कि सर ये हमें हेयर फॉल हो रहा है, क्या ये परमानेंट चले गए हैं? आपको बिल्कुल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है कि ये परमानेंट नहीं गए हैं, इसको टाइम लग सकता है, हो सकता है ये 3 महीने लगें इसके, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए इंतज़ार करना है, आपको टेंशन नहीं लेना है। और जो आपको मल्टीविटामिन्स डाले गए हैं, जो भी बायोटिन डाला गया है आपको, जो मिनोक्सिडिल डाला गया है लगाने के लिए, वो चीज़ आप कंटिन्यू रखिएगा और थोड़ा पेशेंस रखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, नींद अपना पूरा रखिए, डाइट अपनी अच्छी रखिए, मल्टीविटामिन्स आप लीजिए, ठीक है ना। रिकवर कर रहे हैं, बॉडी जैसे रिकवर करती है ऐसे ही आपके स्कैल्प हेयर भी रिकवर कर रहे हैं, उनको रिकवर करने में 3 महीने तक लग जाते हैं, तो आपको 3 महीने तक इंतज़ार करना है। PRP जैसे डॉक्टर अनुभव ने बताया, PRP हम ऐड कर सकते हैं, किसी को इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो हम मल्टीपल सेशंस PRP के उनको दे सकते हैं।
तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, यही आपने करना है. ओके, थैंक यू. सो जितना मुझे समझ में आया वो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो टेलोजन एफ्लेबिलियम है इसमें ये होता है कि मेडिसिन या फिर जो भी आप फिनास्ट्राइड वगैरह ले रहे हो उससे बहुत ज़्यादा आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है. अगर हेयर फॉल हो रहा है तो होने दो और निश्चिंत रहो, वो चीज़ फिर से जो है आपकी रिकवर हो जाएगी. रूट्स नहीं मर रहे हैं आपके, बस वो ऊपर का जो भी आपके फॉलिकल्स है वो शेड हो रहे हैं. एंड मेरे हिसाब से डॉक्टर ने जिस हिसाब से आप लोगों को समझाया है मुझे तो समझ में आ गया है. आप लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि आपको डरना नहीं है. एंड थोड़ा बहुत अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो PRP लो, PRP सेशन से आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है. लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा आप उम्मीद मत रखना कि एक हफ्ते में आपका हेयर फॉल रुक जाएगा. जितना भी हो रहा है हो जाने दो, 3 महीने तक आई गेस वो चीज़ ठीक हो जाना चाहिए जैसे कि डॉक्टर ने बोला. क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे ही पेशेंट्स आते होंगे इनके पास और इन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि 3 महीने बाद जो है उनका हेयर फॉल कम हो जाता है. एंड यही चीज़ जब मेरे साथ हुआ था पिछली बार पिछले साल तो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था कि मेरा भी हेयर फॉल कुछ 2-3 महीने चला था, उसके बाद रुक गया था. लेकिन इस बार जो है मेरा हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा चल रहा है क्योंकि मैंने शायद से मेडिसिन भी छोड़ दी है. तो इस रिगार्डिंग एक और वीडियो आएगा जो कि एक बोल सकते हो डिटेल्ड वीडियो रहेगा कि मुझे क्या मेडिसिन लेना है, कितना PRP लेना है. एंड ये वीडियो इसके बाद आएगा. एंड आई गेस इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया है कि अगर इस सीज़न में आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आपको कैसे उससे लड़ना है, कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है. एंड तीनों डॉक्टर को मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा सर, एंड मेरे वीडियो में आए एंड आप लोगों को भी थोड़ा बहुत समझाया, उसके लिए फिर से थैंक यू सो मच. एंड इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. आप अगर नए हो एंड इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियोस लाने के लिए. अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और भी हेयर फॉल के रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो.